कि एक किसान को रेक्टेंगल दिता हुआ है 100 बाय 80 का, ठीक है। तो सब तो पहले जो आप स्टार्ट ड्राइंग करा, इस वक्त ना ये 3D एनवायरमेंट होया हुआ है, असी की करना है, सू 2D चाहिए ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। तो ड्राफ्टिंग कर देंगे तो ड्राफ्टिंग वाली कमांडा, ठीक है, सारिया हाँ 2D वाली कमांडा आ गई सारिया, ठीक है। सानू की आता लाइन लगानी आती है ना, लाइन लिखती देखो लाइन लगन लग जाती है, मैं क्या जी 100 की लाइन तो 100 की लग जूगी। जिधर नो माउस ना डायरेक्शन करके वैल्यू करा उधर नो लाइन लग जानी, ठीक है। पर आप की करना, आप सीधी लाइन लगाना चाहते हैं तो वे वास्ते की करा ऑर्थो ऑन करा, ऑर्थो ऑन होगा तो सीधी ही लाइन लगेगी, जे ऑर्थो बंद होगा तो जिदा मर्जी जा सकते हैं, ऑर्थो ऑन होगा तो सीधी लाइन लगेगी। मैं क्या जी 100 उपर गए 80 इधर गए, तो माउस ना डायरेक्शन देनी है वैल्यू पर, ठीक है। मुझे तो ये 100 नहीं चाहिए थी, डिलीट कर देने लाइन लेती। अब देखो एंड पॉइंट ब्लिंक करूँगा, ये ब्लिंक ता कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है, जो ऑब्जेक्ट स्नैप बंद कर दिए फिर लाइन लीए तो ये पॉइंट नहीं आऊंगे, तो यह मतलब ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होना चाहिए ताकि पॉइंट ब्लिंक करे, ठीक है। पर जे ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर जिदा मैं मिड पॉइंट बंद कर देव फिर मिड पॉइंट नहीं आऊगा, ऑब्जेक्ट पॉइंट तो आएंगे बट मिड पॉइंट नहीं आऊगा, यानी जड़िया चीजा इतने ऑन होनगियां वो आनगियां बाकी नहीं आनगियां, ठीक हो गया ना। हुण सानू करना की सीगा ड्राइंग दे विच कि 100 बाय 80 का रैक्टेंगल बनाना सीगा, अभी लाइन लिती कितने भी क्लिक करके 100 उपर देखो टुट जाती है लाइन, 80 100 80, ठीक है। इन्नी गल समझ आ गई। एक कमांड होर बड़े काम की है ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट की होंगे पैरेलल लाइन लगाना चाहते आप, ऑफसेट लो वैल्यू दो एंटर, किन्ना ऑफसेट किनू करना इधर या इधर, ठीक है। हाँ ऑफसेट लो वैल्यू पर ही एंटर, किनू ऑफसेट करना तो किधरले पासे करना, ठीक है। इनू ऑफसेट करना इधरले पास, जे डायमेंशन चेंज करनी है तो दोबारा कमांड लेनी पड़नी है, जिनी वैल्यू भर देंगे उन्ना ऑफसेट होने लग जाना। जब आप ड्राइंग देखिए तो सानू आ डिस्टेंस दिता 5 का, आ भी 5 का, ये 195 यानी इन्होंने दोनों के भी 5 तो इधर भी 5, आप करा ऑफसेट कर लेंगे 5 ऑफसेट 5 एंटर, किनू इनू इधर इनू इधर इनू इधर, ठीक हो गया। हूँ साडा इन्ना काम हो गया भी आ लाइना लग गई, ठीक है। हूँ आ देखो आ 25 दिता आ 50 दिता, यानी इतों की लैके इतने तक भी 25 हो गया, आ भी 25 तो आ भी 25 आ भी 25 तो आ 50, यानी कि इतों की लैके इतने तक, तो आप ऑफसेट कर दें 25 ऑफसेट 25 इनू इधर इनू इधर, 25 वाली लाइन होगी 50 वाली, 25 50। हुणे आपां लाइनां लाइयां क्यों, ताकि मेरे को आ पॉइंट आ जाए, आ पॉइंट आ जाए तो आ पॉइंट आ जाए, जब पॉइंट आ गए सानू पता ऑब्जेक्ट स्नैप नाल पॉइंट ब्लिंक होगा, आ पॉइंट तो आ पॉइंट नूं मिला दा, इन्हां दा इन्हां लाइनां दा काम खत्म, इन्हां नूं डिलीट कर दा, ठीक है। ਬਾਕੀ ਕੀਤਾ ਆਫਸੈਟ ਲਿਖਤਾ 5 ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ, ਆਫਸੈਟ ਲਿਖਤਾ 25 25 25, ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 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 ਮਿਲਾ, ਠੀਕ।
फालतू की लाइन डिलीट कर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हैगी साढ़े को फिलेट की। फिलेट की होंगे, जे आप किसी चीज न कॉर्नर वह उड़ाना ये फिलेट लग। ठीक है, किन्ने रेडियस की फिलेट वास्ते सू रेडियस पता होना चाहिए है। जिदा 15 है। ठीक है, होगा कि साढ़े कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते, फिलेट राइट क्लिक रेडियस, किन्ना रेडियस मैं जी 15 का कि ठीक है। ठीक है, जेडे भी दो ऑब्जेक्ट चाहे जुड़े हो चाहे ना, राइट क्लिक रेडियस ए। ठीक है, जो भी दो चीज़ा हो चाहे एक दूजे को कट भी रही हो कोई दिक्कत नहीं, फिलर राइट क्लिक रेडियस जिनी वैल्यू भर देंगे उन्ने की फिलर आ जाए। ठीक है, हम अभी जो ड्राइंग देखी है अपनी तो इतने 5 का रेडियस लगे हुआ, इतने 10 का लगे, तो इतने 25 का लगे। फिलर राइट क्लिक रेडियस फिलेट राइट क्लिक रेडियस 10 फिलेट राइट क्लिक रेडियस 25। ठीक है, फिलेट लो राइट क्लिक रेडियस 10, दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, फिलेट राइट क्लिक रेडियस 25। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है चैम्फर। जे गोल हो गए तो फिलेट, जे स्ट्रेट हो गए चैम्फर। दो तरीके की चैम्फर होंगी है, एक होंगी है डिस्टेंस वाली चैम्फर, एक होंगी है एंगल वाली चैम्फर। डिस्टेंस वाली चैम्फर के दोनों साइड का डिस्टेंस दिता होगा, तो एंगल वाली चैम्फर के एक डिस्टेंस दिता होगा, एक एंगल दिता। यानी सानू ड्राइंग देख के देखना पैना भी अभी कि चैम्फर लाना चाहते हैं। जे दोनों साइड डिस्टेंस दिता है तो डिस्टेंस वाली चैम्फर, जे एक डिस्टेंस से एक एंगल दिता है तो एंगल वाली चैम्फर। ठीक हो गया, हूँ लगानी कि देखो पहला आप डिस्टेंस वाली चैम्फर लगाने। ठीक है, तो की किया मैंने बोलिया चैम्फर राइट क्लिक डिस्टेंस, तो कि कहते स्पेसीफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस दसो दूजा डिस्टेंस दसो। हूँ जिन्हों पहला सिलेक्ट करूँगा वह पहले वाला डिस्टेंस, जिन्हों बाद सिलेक्ट करूँगा वह बाद वाला डिस्टेंस, क्योंकि मैं इनू पहला सिलेक्ट किया ये 15 हो गया तो ये 25। ठीक है, जिन्हों पहला सिलेक्ट किया वह पहले वाला डिस्टेंस, जिन्हों बाद सिलेक्ट करेंगे वह बाद वाला डिस्टेंस। चैम्फर राइट क्लिक डिस्टेंस 15 से 10। हूँ जिन्हों पहला सिलेक्ट किया वह 15 का दूजे का 10। ठीक है, पहला इन सिलेक्ट किया ना, तो यानी कि आ 15 हो गया, तो इतों की लैके इतने तक आ 10। ठीक है, तो एंगल वाली चैम्फर से की होगा, चैम्फर राइट क्लिक एंगल। ठीक है, इस की पुछता पहला डिस्टेंस पुछता फिर एंगल पुछता। ठीक है, यानी जिन्हों पहला सिलेक्ट करूंगा वह डिस्टेंस, तो एंगल भी वह ही नहीं नहीं एंगल भी वह ही, यानी कि आ डिस्टेंस हो गया
ਤੇ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਂਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਐਂਗਲ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਚੈਂਫਰ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਐਂਗਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੋ ਹੁਣ ਮੈਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹਦਾ ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਰਾਇੰਗ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ 10 × 45 ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਐਂਗਲ ਵਾਲੀ ਚੈਂਫਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਚੈਂਫਰ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਐਂਗਲ ਦਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 45 ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ 5 × 45 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੈਂਫਰ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਐਂਗਲ 5 ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 45 ਦਾ ਠੀਕ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 15 ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਹ 48 × 25 ਹੈ ਯਾਨੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ 15 ਹੋ ਗਿਆ 40 × 25 ਗਏ ਆਹ ਵੀ 15 ਤੇ ਆਹ ਵੀ 15 ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਂਫਰ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ 15 ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਠੀਕ ਚੈਂਫਰ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਐਂਗਲ 10 ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 45 ਦਾ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਚੈਂਫਰ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਐਂਗਲ 5 ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 45 ਦਾ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਚੈਂਫਰ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਠੀਕ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ